हाँ, बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान अमित शर्मा एवं मानवी भार्गव से परिवार सहित पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने कहा कि मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग सन्यास से होते हुए गुजरता है। धर्म में कही गई ये बात बिल्कुल सत्य है और लगभग हर धर्म सन्यास को किसी न किसी रूप में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। यदि ये निर्णय जीवन के उस पड़ाव पर लिया जाए तब व्यक्ति वाकई ही उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करने के काबिल बन जाए। वहीं हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर एडवोकेट राजकुमार, अमरिंदर शर्मा, समीर कपूर, मोहित बहल, अशोक शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, राजेंद्र सहगल, गुलशन शर्मा, संजीव शर्मा, विक्रम भसीन, विक्रांत शर्मा, गुरबाज सिंह, गोपाल मालपानी, राजेश महाजन, राघव चड्डा, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, राकेश, ठाकुर बलदेव सिंह, साबी, लक्की, सुनील, जग्गी, प्रिंस, राजन पठानिया, पंकज, पप्पू, दीपक, बाबा, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मापिंड चौक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के अज सवेर तो ही संगतों का हजूम ते तांता लगा होया सी। गवर्नमेंट की डायरेक्शन अनुसार सोशल डिस्टेंस का और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है और माँ के बगलामुखी जी के नाम लेवा संगत ने हाजिरी लगा के दरबार से हवन यज्ञ आहुतियां डालियां और अपने अपने कुशल मंगल के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना की है। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि इस शनिवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाबई बगलामुखी धाम के उत्ते एक विशाल लंगर यज्ञ और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दे नाल ही मैं दसना चाहना कि जिहड़ी भी कोई संगत माँ बगलामुखी जी का नाम लेवा होवे, उन्हां नूं गुरु रूप च मनदी होवे, ओह इस दिन आ के महामई दे दरबार दे उत्ते नतमस्तक होवे और अपनियां झोलियां खुशियां नाल भरे। इस दे नाल ही मैं ये भी दसना चाहना कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिहड़ा भी इस जुलाई महीने के सावन महीना जिहड़ा आखिरी रविवार आंदा है उस दिन असीं महामई दे चरणां च छप्पन भोग लगाई दे मां नूं। इस दिन माँ नूं छप्पन भोग लगनगे, उस तो पहला मासिक हवन यज्ञ होएगा। कोई भी माँ भगत अपने घर तो किसी भी तरह की वस्तु बना के लिया सकता, शर्त सिर्फ एक ही है कि लसन प्याज असीं महामई नूं भोग नहीं लगवाते, उस चीज़ नूं ना लैके आन। सानू किसी भी सेवादार नूं मंदिर परिसर च या मैनूं परसनली तौर पर भी लिखवा सकते हैं जो भी आप छप्पन भोग लिए लियाना चाहते हैं, आप भी आओ और अपने घर परिवार को बच्चों के समेत आओ, दाती के दरबार से नतमस्तक होवो, छप्पन भोग रविवार को लगवाओ और अपन झूलियाँ खुशियां भरो। गुलमोहर सिटी जलंधर के बगलामुखी मंदिर के अंदर छप्पन भोग मासिक हवन के नाल लगाया जा रहा है। सावन के महीने के माँ के कोल आके अपन अपन झोलियां भरिया जान और सब दुखड़े दूर किए जान और छप्पन भोग का एक आनंद वड्डे हवन के जो मासिक हवन होंदा है उहदे विच कई प्रकार दी आहुतियां पाईयां जांदियां ने। उह आहुतियां पा के अपने अपने दुख, अपने अपने दलिद्र, अपने अपने दुश्मनां दा नाश करा